दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक पार्सल लेके आया हूँ जो कलाकार फाउंडेशन ने भेजा है और जया अरोरा जी ने। मैंने उनकी बहुत सारी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और कोरोना के कारण वो कंपटीशन में ना मैं जा पाया और ना ही उसके बारे में कुछ जानकारी ले पाया, लेकिन आज वो पार्सल जो मैंने पेंटिंग सेंड की थी वो सारी पेंटिंग पार्सल थ्रू मेरे पास आया है। तो मैं अभी ये पेंटिंग वापस मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है और किस तरह से है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके अंदर मैडम ने किस तरह से मेरे पेंटिंग वापस भेजे, साथ में क्या क्या है। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। तो चलो, तो मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर मेरी पेंटिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो जाइए देखिए, मैंने पहले ही इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना के रखे। मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए। तो चलो, अब मैं ये पार्सल खोलता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पार्सल पूरा खोल दिया है और ब्लेड की मदद से मैंने पूरा पार्सल ओके कर दिया और पहले ही चार पेंटिंग मेरे निकले हैं जिसमें मैं आपको बताऊँ तो ये वाले पेंटिंग बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है लेकिन चलेगा। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का पेंटिंग मैंने निकाला है, उसके बाद है यहाँ पे मेरा पुराना घर, ये सारी पेंटिंग वापस मुझे अच्छी तरह से फिटिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली से आया है तो थोड़ा बहुत टूट फूट गया है, तो भी चलेगा अब जैसे आया है, अपना काम है। अब दूसरा पेंटिंग आपको दिखा रहा हूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने बनाया था, सीधा बॉल पेन से काम किया था। और ये गणपति बापा है जिसमें मैंने पेंसिल, स्केच पेन, हर मीडिया को यूज़ करने की कोशिश की थी। वापस मैं एक और पार्सल निकाल रहा हूँ, तो ये मैं मेरे पास आया है कुछ जो मैं बाद में आपको ओपन करके दिखाता हूँ, पहले मैं सारी पेंटिंग जो है वो निकाल देते हैं। बहुत सारी पेंटिंग तो ऐसे ही टूट चुकी है। तो यहाँ पे है, देखिए आप, ये भी टूट चुका है। पार्सल कुरियर में इतनी अच्छी तरह से आया फिर भी बहुत सारी चीज़ें टूट गई है। अब यहाँ पे पीकॉक, ये भी थोड़ा बहुत टूट चुका है, ये सारी चीज़ें मुझे वापस ठीक करवानी पड़ेगी। काफ़ी सुंदर बनाया था लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये तो पूरा अलग ही हो गया है, लेमिनेशन करके मैंने किया था लेकिन फ्रेम अलग हो गई है और पूरा टूट चुका है। ये सारी चीज़ें मुझे वापस ठीक करनी पड़ेगी, काफ़ी खर्च आने वाला है, फिर भी देखते हैं, जब टाइम मिलेगा तब मैं ये सारी चीज़ें रिपेयर कराऊंगा।
अभी तो मैं इसे इसी तरह से रखने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमारी कौन सी है। दूसरा पेंटिंग भी गणपति बापा का है, वो भी शायद फ्रेमिंग टूट चुका है, काफ़ी टूटा फूटा सामान हमारे पास आया है। देखिए किस तरह से नुकसान हुआ है, सब टूटा फूटा ही है यहाँ पे। हर पेंटिंग में सिर्फ नुकसान ही गया है हमारा। इतना सब कुछ अच्छी तरह से पैसे खर्च करते हैं, फिर भी क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि दिल्ली भेजना, दिल्ली से वापस यहाँ आना, वहाँ से भी जयपुर जाना, बॉम्बे जाना, तो ये सब चीज़ें होती रहती है, तो टूट फूट तो होता ही रहेगा। ये भी टूटा हुआ है, सारा सामान टूटा हुआ ही है। स्वामी विवेकानंद जी बेचारे वो भी टूट गए हैं। अब ये वाली पेंटिंग देखिए, ये भी टूटा हुआ है। मैडम ने तो बहुत अच्छा पार्सल करके दिया था, लेकिन कुरियर वालों की मेहरबानी से सारी पेंटिंग हमारी टूट फूट गई है। ये थर्मोकोल साइड पे निकाल देते हैं, हमारी सारी पेंटिंग आ चुकी है और ये फ्रेम भी निकल गई है अभी टुकड़ा। तो इतना सब कुछ होने के बाद, पैकिंग होने के बाद भी देखिए आप, सारा सामान हमारा टूट गया है। तो काफ़ी लॉस हो गया इस बार तो हमें। अब फाइनली यही चीज़ देखते हैं कि मैडम ने हमारे लिए कुछ भेजा है या नहीं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला है अपने को और लिखा है आरतीस विग्नेश मोदी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन MMO मुंबई 8 मैराथन 2020 का है ये। आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट मैडम के द्वारा मुझे दिया गया है। और भी अंदर कुछ लग रहा है तो मैं वो भी ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो शायद कुछ है तो सही। तो ये मैडम के द्वारा हमें मेडल भी दिया गया है, अब मैं पास से दिखाऊंगा तो शायद आपको अच्छी तरह से दिखे। ये भी मुंबई आर्ट के द्वारा ही दिया गया है, कलाकार के द्वारा। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से दिया है। चलो कोई बात नहीं, इसे भी हम साइड पे रखते हैं। और ये बैच दिया है वो भी MMA मुंबई आर्ट की तरफ से ही, देख सकते हो। मैं और पास से दिखाता हूँ। तो इस तरह से मुझे हर चीज़ मैडम के द्वारा मिली है। और ये वीडियो में बस इतना ही बताऊँगा, अभी और भी बहुत सारी कंपटीशन आने वाली है और उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा सबसे बड़ा लॉस यही रहता है कि हम पेंटिंग को अच्छी तरह से सेंड करते हैं और वहाँ जाते इसी तरह से कुरियर के द्वारा भेजना पड़ता है, और वहाँ से भी इसी तरह से कुरियर के द्वारा आता है, तो हमारी पेंटिंग को बहुत सारा नुकसान भी होता है और इसे वापस हमें ठीक करवाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको दीवार पर लगा पाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट के लिए मैडम को मैं थैंक यू कहूँगा, और कलाकार को भी मैं थैंक यू कहूँगा।
तो इसे मैं गले में पहन देता हूँ। इस बैच को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इस फोटो के साथ मैं आपको देख सकते हैं, मेरा मेडल आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं।